दुनिया सारी क्लाइमेट चेंज की वजह से परेशान है। बहुत सारी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन हो रही, जैसे कि बहुत सारी गर्मी पड़ गई, बारिश बिल्कुल नहीं हुआ, बारिश जब गिरती था बहुत सारी एक साथ में बारिश गिर जाती है, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही सारा काम होता है। तो सारी दुनिया के जो लीडर्स है, ये लोग सबसे पहले मेरे ख्याल से अमेरिका में, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, ही हैज सॉ दिस क्लाइमेट चेंज एंड ही स्टार्टेड यू नो कॉन्टेक्टिंग द वर्ल्ड लीडर्स एंड टोल्ड दैट नाउ इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूअल, मतलब कोयला तेल जो मतलब जो खनिज वाला एनर्जी है, उससे ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी में हमें ज़्यादा डिपेंडेंट होना चाहिए। तो रिन्यूएबल में है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, विंड पावर एंड सोलर पावर। तो हाइड्रो बहुत कॉस्टली है इनिशियल, और हमारे पास इतना पानी भी नहीं है कि हम यहाँ में हाइड्रो बना सके। तो फिर सोलर, नेक्स्ट ऑप्शन सोलर ही बनता है, तो हम लोग ने सोलर में जाने का विचार किया। और आप जान रहे हैं कि यहाँ हवा तो है नहीं बिल्कुल, तो विंड टरबाइन तो यहाँ बैठ ही नहीं सकता है, तो सोलर ही हमें उपयुक्त लगा। हम लोग करीबन साल में 7 साढ़े 7 लाख यूनिट जनरेट करते हैं सोलर से, और हमारी टोटल रिक्वायरमेंट करीबन 12 साढ़े 12 लाख यूनिट की है। तो बाकी जो बचता है वो हम लोग ग्रिड से लेते हैं, होता है वो ग्रिड में जाता है, और हमारी शॉर्टफॉल होती है वो ग्रिड से मिल जाती है। तो हाँ, ग्रिड को फायदा है ना, क्योंकि इनको बिना किसी एक्सटेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इनको ये पावर मिल जाता है एवरेज परचेजिंग प्राइस में। तो ये दो मतलब पूरे देश के लिए विन विन सिचुएशन है। हाँ, बाराकवेली में रोजकंडी जो है सोलर प्रोजेक्ट सबसे पहला है। मालूम होगा कि ये ग्रिड इंटरेक्टिव पीवी पैनल्स है, उसका मतलब ये है कि इसमें बैटरी स्टोरेज नहीं होता है, ग्रिड के साथ ही कनेक्ट होता है, और ग्रिड चलने के बाद ही उसमें पावर जनरेट होता है। जो हमारा शॉर्टफॉल होता है वो हम ग्रिड से लेते हैं, और सरप्लस होता है वो ग्रिड में इन्फ्यूज़ हो जाता है, और हम जो एक्सपोर्ट करते हैं वो भी मीटर में आ जाता है, और हम जो खर्च करते हैं वो भी मीटर में आ जाता है, और फिर अकॉर्डिंगली बिल बन जाता है। हमारा देखिए साल में करीबन 7.5 लाख यूनिट हम जनरेट करते हैं सोलर से, यदि मतलब बहुत ज़्यादा क्लाउडी वेदर नहीं रहा, बहुत ज़्यादा रेन नहीं रहा, तो बहुत ज़्यादा वेदर होता है तब मतलब जीरो नहीं होता है कभी भी, वो थोड़ा सा कम हो जाता है, करीबन 20-30% कम हो जाता है। जैसे हम लोग का जून जुलाई महीना में करीबन एक महीना में हमारा 50-55 हज़ार यूनिट जनरेट हो जाता है, लेकिन अभी जैसे है हम लोग 70 हज़ार यूनिट के बराबर जनरेट करते हैं। हाँ, तो इसमें से जो हमारा यूज़ नहीं होता है, जैसे अभी फैक्ट्री नहीं चल रही है, तो फैक्ट्री नहीं चल रही, हमारा जितना भी सरप्लस पावर है वो ग्रिड में इन्फ्यूज़ हो जाता है।